वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। मैं अक्सर अनबॉक्सिंग की वीडियो लाता रहता हूँ, तो आज मैं एक और स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैंने ये अमेजोन से मंगाया है। ये राइड कंपनी का माइक है, इसके अंदर ये कॉम्बो पैक है। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके अंदर कैसा आइटम है, क्या क्या निकलता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनुज विनीत और आप देख रहे हैं विनीत नॉलेज अब। तो चलिए चलते हैं डिजिटल वर्ल्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एंड ये साइड में ये बड़ी है, जबरदस्त तरीके से पैकिंग करी है और ये राइट कंपनी का है जो कि इंडिया की कंपनी है, अपनी बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आप अपना बोया का देखते होंगे, निकाल के देखता हूँ। ये इसके अंदर दिस प्रोडक्ट दिस, ये देखो ये है हमारा इंटरफेस। ये है इसके अंदर स्टैंड होगा, इसको देख सकते हो। ये मोहतरमा बड़ी खुशी से गा रही हैं और आप बड़े बढ़िया तरीके से देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये मोहतरमा हमारी गा रही हैं, तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैं इसको भी अनबॉक्स करता हूँ। ये मैंने इसको भी साइड कर दिया है और इसमें एक क्लिप है। ओह शिट, ये इसका टेबल माउंट स्टैंड है जो कि हम इसको स्टैंड को कैरी करने के लिए यूज में लेंगे। इसको मैं साइड में करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो ये मेरी उंगली कट गई है, इसकी जो पैकिंग में आल पिन लगी हुई थी मैंने उसको खींचा उसकी वजह से। तो कोई नहीं, और ये आपके माइक को लगाने के लिए है, इसे भी हम साइड में रखते हैं। एंड ये निकालता हूँ तो ये इसमें स्टैंड है और ये स्टैंड आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी का, बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये देखो बड़े बढ़िया तरीके से ये सेट हो जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से इसमें सेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको करूँगा सेट। और भी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और ये है हमारा आटा छानने की छलनी, बेसिकली ये पॉप फिल्टर है। और इस पर आप देख सकते हो बड़े बढ़िया तरीके से ये राइट डब्ल्यू बना हुआ है, राइट कंपनी का मैं लोगो बना रखा है। तो ये हमारा ये माइक के सामने लगेगा जिससे कि आप अपनी वॉइस को बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि इस पर ये लोगो बना हुआ है। ये लोगो देखा है आपको, देख ही रहे होंगे आप, इसमें ये लोगो बना हुआ है। तो मैं इसको भी साइड में रखता हूँ, सो मैं इन चीज़ों को साइड में रख देता हूँ। और ये है हमारा बॉक्स जिसपे इधर की साइड में ये इंटरफेस बना हुआ है। ये इधर की साइड में इंटरफेस बना हुआ है, इस पर थ्री USB केबल दी हुई है, थ्री XLR केबल दी हुई है, एक आपका 3 TRS-M एडप्टर दिया हुआ है और ये आपका एक शॉट माउंट है इसके अंदर। और आपके इधर की साइड में देखें तो इसके कुछ वेट के बारे में दे रखा है, प्रोडक्ट वेट 300 ग्राम, पैकेजिंग वेट 500 ग्राम वगैरह वगैरह। और इसकी प्राइस दे रखी है यहाँ पे, तो फाइनली ये प्राइस जब उसमें नहीं दे रखा हो, ये तीन कलर में आता है, यहाँ पे तीनों कलर देखें, ब्लैक वाइट एंड ब्लू। और मैंने ब्लैक कलर का मंगाया है, ये यहाँ पे इसका QR कोड है। और बैक साइड में देखो तो ये मोहतरमा बहुत ही ज़्यादा परेशान है जो कि अपने मुंह को फाड़ फाड़ के बता रही है कि मुझे गाना गाना आता है। तो मैं फटाक से इसको भी अनबॉक्स कर देता हूँ और देखते हैं इसके अंदर
द प्रोडक्ट। तो ये साउंड कार्ड की इंटरफेस की फ्यूचर मेन्यू गाइडलाइन, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में। ये मेरे माइक का है, इसकी भी मेन्यू है जो कि तकरीबन कोई भी नहीं पढ़ता है, मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। और देख पा रहे होंगे आप कि ये मेरी एक XLR केबल है, मेल फीमेल दोनों पॉइंट है, जो कि एक हमारे इंटरफेस में लगेगा और एक माइक में लगेगा, मैं इसे भी साइड में रखता हूँ। और एक ये USB केबल है, इस USB केबल को भी हम देखेंगे कि USB केबल है जो कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है। और एक इसमें TSR केबल है, ये TRS के एडाप्टर है, ये मैं इसे भी साइड में रखता हूँ। और ये और भी निकाल के देखता हूँ, इसके अंदर ये एक शॉक माउंट है, ये सिल्का है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसको नहीं रखना चाहिए अपने पास, इसको लग ही रख के बच्चों के पास से दूँ। और ये शॉक माउंट है, मैं इसमें अपने माइक को अटैच करूँगा और माइक को एडजस्ट करने के लिए इसमें ये दिए रखती है क्लिप, तो मैं इसको सेट करके बाद में बताऊँगा आपको, पहले मैं और भी कुछ देख लेता हूँ उसके अंदर क्या है। और ये है मेरा प्यारा सा माइक जो स्टेनलेस जाली से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, जो कि आप अच्छे तरीके से देख पा सकते हो। तो ये इस पर राइट लिखा हुआ है, WR-800 का माइक है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत बिल्ड क्वालिटी का, जिस पर एक जाली लगी हुई है। और इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और ये हमारा है इसके अंदर इंटरफेस, ये माइक्रोफोन लाइन के लिए, ये इसको कम ज़्यादा करने के लिए है, ये आपका जो भी अपना पियानो वियानो लगाओ इसके लिए है। तो हम सामने से देखें तो यहाँ पे राइट साउंड मास्टर का WR-12, और ये यहाँ पे अपने XLR केबल लगाने के लिए है, माइक केबल लगाने के लिए, यहाँ पे अपना कोई साइड में गिटार भी लगा सकते हो। और ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे अपनी पावर हेडफोन एडाप्टर कोई भी लगा के आप सुन सकते हो। और बैक साइड में देखो तो यहाँ पे ये दोनों आउटपुट लाइन दे रखे हैं, ये पावर USB और यहाँ से ऑन ऑफ का है, और इसके लिए 28 वोल्ट की ज़रूरत है। तो बस इसमें ज़्यादा खास नहीं कुछ, लेकिन अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अगर और किसी को आप खरीदो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ये आपको 4,500 रुपये में ही सारा मास्टर कार्ड, माइक, जो कि सारी चीज़ें देख रहे हो, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी विद माइक के। तो फाइनली मैंने ये आपको दिखाया प्रोडक्ट, और मैं इसका अनबॉक्सिंग कर दिया। अभी मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने मंगाया इसको अनबॉक्स करके दिखाया था आपको, बाकी इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे चलता है, कैसे इसको सेटअप करना पड़ेगा, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि इसको कैसे कैसे सेट किया जाता है, और आप इससे कैसे अपनी वॉइस को, अपने म्यूजिक को बढ़िया तरीके से सेट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, हम फिर मिलेंगे नई किसी वीडियो पर, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।